अध्याय चौथा श्लोक 19वां। जन्म देने वाला, यज्ञोपवित करने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न दान देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, यह पांच व्यक्ति पितर माने जाते हैं। चाणक्य का मत है कि इन पांचों को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए, पिता की तरह सम्मान करना चाहिए।